अस्सलाम वालेकुम वायर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है गुलत्ती। आज मैं आप लोगों को गुलत्ती बनाना बता रही हूँ। हैदराबाद के अंदरूने शहर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है रेसिपी, और ये महासिंध में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। ये यहाँ हमने देखें चावल लिए, ये सेला चावल से बनते हैं। एक तरह से कहें तो आप, ये जर्दा होता है, खोए के साथ बनाया जाता है। आप लोग मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसको मैंने सेला चावल को 2-3 घंटे पहले से भिगो के रखा है। तो हम आपको रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बनाना बताते हैं। इस पानी को हम ड्रेन करके, पानी मैंने कढ़ाई में पकने के लिए रखा है, इसे हम फुल डन करेंगे, इसे उबालेंगे। कढ़ाई में हमने पानी रखा है। ये 2 छोटी इलायचियाँ मैं इसमें डालूंगी खुशबू के लिए, और ये मैंने 1/2 किलो चावल लिए थे, इनको मैं फुल बॉयल करूंगी। चम्मच हम एक दफा चला देंगे ताकि इकट्ठे एक जगह चावल ना हो। देखें ये अच्छे हमारे ये फुल डन हो गए हैं, और इसको हम अब ड्रेन आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल देखें अच्छी तरीके से मैंने बॉयल कर लिए हैं गुलत्ती के लिए। ये हमारे 1/2 किलो चावल हैं। 1/2 किलो में हम चीनी भी 1/2 किलो लेंगे, और खोया भी मैं 1/2 किलो ले रही हूँ। यहाँ हमारे पास काजू हैं, बादाम है, बादाम को मैंने भिगो के छील कर इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में कर लिया। पिस्ते हैं, 4 इलायचियाँ हैं, और 1 प्याली मेरे पास घी है, थोड़ी सी किशमिश है। आप लोग रेसिपी पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ। चूल्हे पे हमने फ्राई पैन रख दिया, और आँच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है। थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया और गर्म हो गया। अब हमने ये बादाम, पिस्ते और काजू को फ्राई करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करें। फ्राई करने से जो ड्राई फ्रूट है इसके जो जायका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी घी में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। क्विक बन जाने वाली रेसिपी है, फटाफट, और बहुत ही शानदार रेसिपी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और इसको हल्की आंच पे हमने इस खोए को भूनना है। मैं 1/2 किलो में 1/2 किलो का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इसका जायका खोए से ही बनता है। अच्छी तरीके से इसको हम ब्रेक कर लेंगे, और लो फ्लेम पर हमने इसे इतना भूनना है कि ये गोल्डन कलर का हो जाए। ये देखें खोए के सारे लम्स खत्म हो गए, और मैं मुसलसल चम्मच चलाती हुई इसको भूनूंगी। इसको आपने हाथ नहीं रोकना है, वरना खोया जल जाएगा। ये देखें मैं इसे मुसलसल भून रही हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा बर्तन बदल दिया है मैंने, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक लिया था, उसमें ये कलर नहीं हो रहा था सही, तो ये मैंने सिल्वर स्टील का बर्तन लिया है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये टिप भी दे दूँ। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए मुसलसल मैं चम्मच चलाते हुए इसे भूना है, और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। बस इतना ही हम कलर करेंगे, अगर हमने ज़्यादा करा तो फिर ये खोया जल जाएगा। इसको हम एक साइड पे रखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी, और हम इसमें 1/2 प्याली घी डालेंगे। ये 1 प्याली घी था जिसमें से ये इतना मैंने बचा लिया है, और 1/2 से कम प्याली से मैंने खोया भी भूना और जो मैंने ड्राई फ्रूट भुने थे। घी देखें मेल्ट हो गया, गर्म हो गया। अब ये 4 इलायचियाँ मैंने इसके मुँह खोल के इसमें डाले हैं, और ये थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। इलायचियाँ गोल्डन हो गई हैं, घी में इसका जायका आ गया है। अब हम ये 1/2 किलो चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालेंगे, और चूल्हा हमने धीमी आंच पे रखा हुआ है, और इसमें मैं दूध डालूंगी। ये हमने इसकी चाट बनानी है। दूध तकरीबन मैंने ये 1 गिलास, और अगर मेजरिंग कप से देखें तो 2 कप। शीरा हमारा पक रहा है, और ये जो खोया मैंने भुना था ये मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ा सा खोया मैं रखूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी सारा खोया मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने खोया रख लिया, बाकी मैंने खोया डाल दिया इसमें। अच्छी तरीके से इसे चम्मच चलाएँगे और अब इसमें हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम चावल डालेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अभी से कितने जबरदस्त ये चावल हमारे लग रहे हैं। चाश में चावल पक जाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई चावल हमारा रह ना जाए। और चावल देखें कितना खिला खिला ये चावल बना है। और ये गुलत्ती इसी में बनती है, सैला चावल में। इसमें जायका आता है सैला चावल से ही। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है चावल और चाशनी को। अब हम इसे इतनी देर पकाते हैं ढककर कि ये चाशनी खत्म हो जाए। चाशनी में अच्छी तरीके से हमारे चावल पक गए हैं। अब हम इसे हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। उससे पहले हमने जो चीज़ें ली हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुरब्बा डालेंगे रंग बिरंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल लगते हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट हैं ये डालेंगे, किशमिश डालेंगे और ये जो हमने चमचम ली हैं गुलाब जामुन हैं छोटे छोटे। थोड़ा सा मैं ये खोया और डालूंगी और उसमें मैं 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ूंगी। ये मैं थोड़ा सा कपड़ा लगा के और दम पर छोड़ रही हूँ इसे। नीचे मैंने तवा रख दिया हल्की आंच पर। तकरीबन इसे मैं 10 मिनट के लिए दम पर रखाऊंगी। रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से हमारे गुलत्ती तैयार हो गई। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये देखें इतनी ज़बरदस्त से ये हमारी गुलत्ती तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप ज़रदा भूल जाएंगे और ये बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चावल हमने प्लेट में निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करेंगे। थोड़े से ये बादाम पिस्ते हमने और काजू रखे थे वो डालेंगे। थोड़ी सी हम किशमिश डालेंगे। थोड़े से हम ये चमचम और गुलाब जामुन जो है छोटी छोटी, इससे बहुत ही टेस्ट बनता है। थोड़ा सा मैं ये भुना हुआ खोया भी डालूंगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले देखने को मिले। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लग रही है। ये हमने हैदराबाद की गुलत्ती आज बनाई है, आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।